सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं वेलकम करता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो अभी है संडे की मॉर्निंग और हम जा रहे हैं संडे राइड के लिए। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है मैंने संडे की राइड नहीं करी है। हम काफी बीच में प्लान बन रहा था हर संडे, फिर टूट जा रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो इसलिए गए नहीं। ऑलमोस्ट मुझे लगभग एक महीना होने वाला है संडे राइड किए हुए मेरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, मतलब जो बाइक वाला ग्रुप है उन सबके साथ। तो अभी निकल रहे हैं। आज का कुछ आउटफिट ऐसा है, आज कुछ खास मैं जैकेट वैकेट पहनने के मूड में था नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही ये हल्की सी टी शर्ट है, हुडी टाइप की टी शर्ट है, तो ये मैंने डाल ली। हेलमेट आज ये वाला जाएगा हमारे साथ, ग्लव्स वगैरह हमारे रखे हैं। आज मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, देखूंगा क्या पता कुछ फोटोज वगैरह खींचे, अच्छे से कुछ खींचूंगा तो वीडियो में आपको एड करके दे देंगे हम सब। बाकी तो ये शाम को मैंने कल बाइक का काम किया थोड़ा बहुत, तो उसका टूल वूल रखा थोड़ा यहीं पे, मैंने सेट नहीं किया था, यहीं पे छोड़ दिया था इसको। ठीक है, तो चलो निकलते हैं नीचे जरा पार्किंग की तरफ। तो चलो निकलते हैं नीचे पार्किंग की तरफ, मिलते हैं आप लोगों को। हाँ, आज मैं गोप्रो माउंट नहीं लगा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ बाइक का व्लॉग, मतलब बाइक का गोप्रो शूट करने का। तो डायरेक्ट 24/7 मिलते हैं आप लोगों को। हाँ तो जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुनना चाहेंगे आप सर? नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे टाइम पे आने के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? टाइम पे आया करो प्लीज। और आप लोग किधर लेट ना होए। और आप? हम टाइम पे आ जाते, टाइम से पहले आ जाते हम। हाँ जी भाई साहब, टाइम पे आने लोगों के लिए क्या बोलोगे? टाइम पे आने वाले लोगों के कुछ नहीं बोलेंगे। अरे बोलो तो सही, हमें लेट आना है, हमें पता लग गया। और सर आपको? बस अभी हम लोग, मैं इतना इतना जल्दी आया, मैं इतना लेट आया, इतनी बार सुनता हूँ भाई कल से टाइम पे आओ। उल्टा चल रहा है हमारी घड़ी, 5 बजे आने के लिए 3 बजे बोलना पड़ेगा, 3 बजे आओ। चलो पकौड़े पहले में जाते हैं जिनको खाना चाहिए। अरे यार तुम हमारे साथ ही रहा करो ना, क्यों नहीं आते? बस अगली बार से आएंगे, पकौड़े जल्दी मिलेंगे, फिर पराठे भी जल्दी मिलेंगे। हमसे मैं कह रहा हूँ, हमसे, अरे हम लोगों से आधा घंटा पहले ऑर्डर दिया था इन्होंने, हमें आए हुए आधा घंटा हो गया, हमारा ऑर्डर भी आ गया, उनका फिर भी नहीं आया। दिल बना के दिया तब आया। तो यहाँ पे न्यू प्लेटफॉर्म बन रहा है
और ये पूरा लोहे का ढांचा बना दिया इन लोगों ने। शेड बनेगा यहाँ पे जल्दी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तक तो शायद शेड बन ही जाएगा। ये हमारे एक्स यूट्यूबर और ये कुछ ऐसी हमारी यहाँ की प्रॉपर्टी। अभी पेड़ और हरियाली इतनी की दिखेगा नहीं यहाँ पे कुछ भी, पर काफी अच्छा है। बारिश के मौसम के बाद सही दिखती है जगह। गर्मी में भूल गई मत आना, ऐसा बंजर इलाका दिखता है जिसकी हद नहीं है। सिर्फ ये एरिया तो मैं ग्रीन दिखेगा, बाकी ये पहाड़ सूखे दिखेंगे। वो पीछे वाला जो ग्रीन पहाड़ है वो भी सूखा दिखेगा, पर हम फिर भी आते हैं आदत से मजबूर। हाँ तो भाई ये था राठी कैफे। यहाँ नॉर्मली हम संडे राइड्स, वीकेंड्स या फिर कभी वैसे घूमना फिरना हो तो आ जाते हैं, कभी हम अपनी फैमिलीज के साथ भी आ जाते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें अंदर भी ये कैसा बना हुआ है। बस ये बाहर नया शेड बना रहे हैं। ये भैया बोल रहे थे कि पीछे देख के आओ, तो हम आगे देखने अभी आएगा दिखाते हैं। ये शेड बना रहे हैं ना बैठने के लिए, सिटिंग एरिया यहाँ पे ऊपर आपके वो लग जाएगा। यहाँ पे सिटिंग नीचे क्या करेंगे, बारबेक्यू? नहीं ये ऊपर होगा ना, नीचे कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए होगा शायद, नीचे कुछ स्टोरेज जैसा होगा। अपर प्लेटफॉर्म बनाया है ऐसे रेस्टोरेंट टाइप से बनाने के लिए, सेटिंग के लिए। बढ़िया लगेगा बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा यार। ये शेड भी शेड आ रहा है, ऐसा आ रहा है, लाइट तो लगी जाएगी। हाँ वही तो, मतलब वही लाउंज टाइप का ही बना रहे हैं ना, वही तो कह रहा हूँ। बनने के बाद ज्यादा अच्छी लगेगी ये जगह, जब फर्नीचर लग जाएगा ना तो सच में बहुत अच्छी लगेगी ये जगह। तो भाई चलो आगे मिलते तुम लोगों से। हाँ तो भाई वीडियो भी ऑलमोस्ट एडिट हो, मैंने आउटरो शूट किया था उस दिन, आया था उस दिन में थोड़ा सो गए थे, रेस्ट कर लिया, थोड़ा थकावट हो गई थी। तो भैया वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो गई है, देखना अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, और भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, थोड़े बढ़ाओ यार सब्सक्राइबर्स, हमें भी जरूरत है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।